यह है दोस्तों पोर्टोनिक्स कंपनी की तरफ से आने वाला पोर्टोनिक्स डैश पार्टी स्पीकर। और इस स्पीकर को दोस्तों मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ आप लोगों को इसका सही रिव्यू देने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसी साउंड क्वालिटी आप लोगों को स्पीकर के अंदर देखने के लिए मिलती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है एंड जिस प्राइस पर ये आ रहा है क्या उस प्राइस को जस्टिफाई करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सारी सारी बातें करेंगे, चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग जो कुछ इसके की फीचर की बात करें तो इस स्पीकर के अंदर दोस्तों आप लोग एक करोके माइक देखने के लिए मिलता है। लेटेस्ट आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। 45 वॉट का आप लोगों को आउटपुट देखने के लिए मिलता है। रेडियो का फीचर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। TWS का फीचर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है एंड 4400mAh की एक बड़ी बैटरी आप लोगों को इस स्पीकर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और एक बहुत ज़्यादा खास ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर आप लोगों को इस स्पीकर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस स्पीकर के दोस्तों सारे फीचर्स को हम लोग टेस्ट करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो बॉक्स को ओपन करते ही दोस्तों आप लोगों यहाँ पर सबसे पहले स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों एक माइक इसके साथ देखने के लिए मिलता है और आप लोगों एक रिमोट कंट्रोलर देखने के लिए मिलता है एंड आप लोगों को इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए एक पावर अडाप्टर देखने के लिए मिल जाता है और आप लोगों को पोर्टोनिक्स की यूजर मैनुअल एंड मार्केटिंग गाइड आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब फटाफट से बात कर ले हमारे स्पीकर की, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये रहा वो स्पीकर। और अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है दोस्तों स्पीकर। ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को पोर्टोनिक्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है एंड रबराइज टेक्सचर के अंदर आप लोगों को स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल दोस्तों अगर लुक वाइज बताऊं तो बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है स्पीकर। वेट की अगर दोस्तों बात करें तो लगभग 2 से लेकर 2.5 किलो के आसपास इस स्पीकर का वेट होगा। स्पीकर दोस्तों काफी ज्यादा हैवी फील होता है। उसी के साथ साथ अगर दोस्तों पीछे साइड की बात करें तो पीछे यहाँ पर आप लोग काफी सारे पोर्ट इसके अंदर जो दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए 9 वॉट वाला एक जो पोर्ट दिया हुआ है, उसके साइड में यहाँ पर आप लोगों को माइक लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली दोस्तों इस स्पीकर के अंदर आप लोग वायर्ड माइक लगा सकते हैं एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को एक वायरलेस माइक भी इस स्पीकर के साथ मिलता है। मतलब वायरलेस माइक तो आप लोग इस स्पीकर के अंदर यूज कर ही सकते हैं, उसी के साथ साथ आप लोग जो एक वायर वाला माइक भी इसके अंदर लगा सकते हैं। उसी के साइड में यहाँ पर आप लोगों को ऑक्स लगाने का एक पोर्ट दिया हुआ है एंड उसके साइड में यहाँ पर आप लोगों को USB लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगर पीछे की साइड में अगर आप लोग बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो आप लोग समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा खराब बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मतलब बिल्कुल भी प्रिसाइसली यहाँ पर मुझे पोर्ट को इसके अंदर नहीं डाला गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग गैपिंग देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं इसको पावर देने वाला जो पावर पोर्ट है उसके बाजू में भी दोस्तों आप लोग गैप देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ पर मैं दोस्तों इस चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से कंपनी जो रिफाइन कर सकती थी। भाई 6000 रुपए का स्पीकर है, कोई सस्ता स्पीकर नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी। वहीं अगर बात कर रहे हैं ऊपर की साइड में तो ऊपर आप लोगों के सामने काफी सारे बटन निकल के आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ा जो बटन देख रहे हैं आप, ये जो है पावर ऑन ऑफ का बटन है। इसकी मदद से आप लोग बेसिकली स्पीकर को पावर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है दोस्तों वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन। इसकी मदद से आप लोग आवाज को बढ़ाएं घटा सकते हैं। उसके साइड में जो मेन्यू बटन देख रहे हैं आप, इसकी मदद से दोस्तों आप लोग बेस ट्रेबल एंड वॉल्यूम को यहाँ पर मैं कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों TWS का बटन है, अगर आप लोग और एक स्पीकर खरीद लेते हैं तब आप लोग 2 स्पीकर को साथ में कनेक्ट कर पाएंगे एंड यहाँ पर स्टूडियो का मजा फिर आप लोग ले पाएंगे, तो इसीलिए TWS का बटन आप लोगों को दिया हुआ है। उसके साइड में जो बटन देख रहे हैं आप, ये जो बेसिकली दोस्तों कलर साइकिल को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया RGB आप लोगों को स्कैनर देखने के लिए मिलती है। ऊपर की साइड में जो बटन है यह दोस्तों माइक को ऑन ऑफ करने का बटन है। उसके साइड में जो बटन देख रहे हैं आप, ये माइक्रोफोन वाला, इसकी मदद से दोस्तों आप लोग जो इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा एंड इसके बाद अगर आप लोग कोई गाना गा रहे हैं, अगर आप लोग कोई चीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस बटन को दबा के सिंगल प्रेस करके आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, सिंगल प्रेस करके आप लोग रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं। उसके साइड में जो बटन देख रहे हैं आप, ये जो बेसिकली पेयर करने का बटन है। और ये दोनों जो बटन है इसकी मदद से आप लोग नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रीवियस सॉन्ग के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो बीच में बटन है, ये जो है 1 क्लिक टू प्ले एंड 1 क्लिक टू पॉज बटन है। बीच में जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप लोग को डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है कि अभी आप लोग करंटली कौन से मोड में है। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं करंटली जो ब्लूटूथ मोड पर सेट है। उसके नीचे आप लोगों को बैटरी इंडिकेशन देखने के लिए मिलती है दोस्तों कि अभी जो है कितनी बैटरी इस स्पीकर के अंदर जो बची हुई है। तो ये चीज आप लोग काफी अच्छी स्पीकर के अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो ये तो हो गई इस स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी की बात। अब फटाफट से दोस्तों हम लोग जो इसको ऑन कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले करके देख लेते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना, काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को स्पीकर प्रोवाइड करता है। 45 वाट के हिसाब से आप लोगों को इसके अंदर लाउडनेस देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा दोस्तों मुझे इस स्पीकर के अंदर बेस ज़्यादा लगा, एंड क्योंकि फिर इसके अंदर बेस ज़्यादा आता है दोस्तों, तब यहाँ पर मुझे वोकल्स हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे अनोइंग लगी कि वोकल्स को ये इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता है, मतलब और यहाँ पर मैं इसके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों अभी आप लोग जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो आप लोग इसी फोटोनिक्स के -45 वाट वाले स्पीकर की वजह से सुन पा रहे हैं। तो आप लोग जो मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को इस स्पीकर की माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है। तो दोस्तों ऐसी कुछ कहानी आप लोगों से स्पीकर की देखने के लिए मिलती है। अब अगर दोस्तों आप लोगों से बात कर लूँ फाइनल कंक्लूजन की, 6,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर आप लोग इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए दोस्तों। 6,000 रुपये के हिसाब से मुझे इसकी साउंड क्वालिटी नहीं लगी। हाँ, अगर ये 3,500-4,000 रुपये तक भी होता तब मैं आप लोग को बोल देता कि हाँ एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग जा सकते हैं इसके साथ। लेकिन दोस्तों 6,000 रुपये के हिसाब से पोर्टोनिक्स का प्रोडक्ट और यहाँ पर 45 वाट का आप लोगों का आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस स्पीकर के अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसकी जगह आप मुझे जूक थंडर प्रो 30 वाट वाले स्पीकर के साथ जा सकते हैं, वहां पर आप लोगों को बेटर ऑडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। इस स्पीकर को दोस्तों मैं लगभग 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। इस स्पीकर के अंदर दोस्तों आप लोगों को 3,000 रुपये के अंदर 30 वाट का आउटपुट देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ आप लोग क्लियर वोकल डीप एंड पंची बेस आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, एंड यहाँ पर जो माइक वगैरह भी है वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों 30 वाट्स के अंदर काम हो सकता है तब मेरे हिसाब से आप लोगों को जूक थंडर प्रो के साथ जाना चाहिए। वो आप लोगों के लिए दोस्तों एक चीपर एंड बेस्ट अल्टरनेटिव होगा एज कम्पेयर टू दोस्तों पोर्टोनिक -40 वाट स्पीकर। अगर आप लोग दोस्तों जूक थंडर वाले स्पीकर को परचेस करना चाहते हैं तब उसकी बेस्ट बाय लिंक मैंने यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसी के साथ साथ मैंने उस स्पीकर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो भी बनाकर रखी है, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस तरह कहानी थी पोर्टोनिक -40 वाट स्पीकर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का स्पीकर से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय भारत।